ऐसे मरूंगी। So guys, देखो अब मुझे नहीं पता ये कितना असली लग रहा है कितना नकली लग रहा है। ये Z1000 मार्केट में मिल ही नहीं रही है, सीन ये है। क्या हुआ? क्या हुआ? मच्छर कब से ऐसे काटने शुरू हो गए? ये लबबाइट है तो और क्या है? कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज हम करने वाले हैं सांची के ऊपर लव बाइट प्रैंक, मतलब मैं करने वाला हूँ लव बाइट प्रैंक। हो सकता है कि आज की वीडियो में मेरे को मार भी पड़ सकती है सांची से। सो गाइस, वो तो बाद में पता चलेगा। सो गाइस, तुम्हारे भाई ने भी फटाफट नहा लिया हुआ है तो फटाफट रेडी होता हूँ। सो गाइस, तुम्हारा मैं फाइनली रेडी हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता, मैं करने वाला हूँ सांची के ऊपर लव बाइट प्रैंक और तुम्हारे भाई ने रेड कलर की लिपस्टिक भी ले ली हुई है। समझते हो ना लिपस्टिक क्या होती है गाइस? सो गाइस, मुंह में लगाने वाला हूँ थोड़ी सी यहाँ पे और थोड़ी सी यहाँ पे, बट डर में कोई चीज का लग रहा है कहीं हमारा प्रैंक फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर सांची ने यहाँ पे हल्का सा भी हाथ ऐसे मार दिया तो भाई वो तो खराब हो जाएगा, वहां पे हमारा प्रैंक फेल हो सकता है। बट हम कोशिश ये करेंगे सांची यहाँ पे हाथ ना लगा पाए। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं सांची के ऊपर एक प्रैंक करने वाला हूँ और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लव बाइट प्रैंक करो। सो गाइस, लो तुम्हारा भाई लव बाइट प्रैंक भी लेकर आ गया हुआ तुम लोगों के लिए। सो गाइस, तुम्हारा भाई रेडी होकर आ चुका है बाहर और ये लगी अपनी गाड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई सांची के पास, तो रास्ते में सेटअप वगैरह मैं कर लूंगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह लगानी, मतलब उसको हल्का सा शक होना चाहिए कि भाई ये लव बाइट किसके। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मुझे नहीं पता फिलहाल होने क्या वाला है, तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते। ये हमारी माफिया वरना, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है इस टाइम, क्योंकि गाइस अभी तक तुम्हारे भाई की लाइट नहीं आई है कंपनी में। और गाइस, मैं कुछ और चीजें भी अपग्रेड करने वाला हूँ अपनी माफिया वरना में, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तुम्हारा भाई निकल चुका है तो मैंने सांची को भी कॉल कर लिया हुआ है, सांची भी आ जाएगी। तो गाइस, तुम्हारे भाई ने लिपस्टिक भी ले ली हुई है, अपनी मम्मा की लिपस्टिक लेके आया हूँ स्पेशली मैं। सो गाइस, अभी सांची की गली में जाएंगे, वहां जाके मैं हल्का हल्का सा लगा दूंगा और बस प्लान यही है कि भाई फेल नहीं होना चाहिए हमारा प्रैंक, क्योंकि तुम्हारे भाई का प्रैंक आज तक वैसे फेल तो हुआ नहीं। अगर उसने यहाँ पे हाथ मार दिया ना फिर तो भाई प्रैंक अपना फेल हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं भाई, हाथों में उसको लगाने दूंगा नहीं। तुम्हारा भाई आ चुका है सांची के घर के पास और तुम्हारे भाई ने भी गाड़ी लगाई है मोड़ के, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां बहुत आती है और मैं चाहता नहीं कि हमारी वीडियो खराब हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा एडिट ना करूं, ज्यादा कट ना करूं, जो भी सांची का रिएक्शन हो, जितना भी हो, जैसा भी वो बोले, वो सारी चीज आपको दिखाऊं। सो गाइस, आपको मैं दिखा देता हूं, ये रही भाई मेरी मम्मा की लिपस्टिक, तो ये लगाने वाला हूं, दो लाई हुई है मैंने। तो देखते हैं अभी दोनों का थोड़ा कलर वगैरह मैच करते हैं, फिर आपको दिखाता हूं कि कैसा लग रहा है। देखो अब मुझे नहीं पता ये कितना असली लग रहा है कितना नकली लग रहा है, बट मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है, रियल लग रहा है, क्योंकि भाई आपको कैमरे में थोड़ा कलर ज्यादा लग रहा होगा। देखते हैं भाई, होपफुली हमारा जो प्रैंक है वो भाई सक्सेसफुल हो जाए। तो गाइस, अभी सांची के आने का वेट करते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस, ये रही भाई सांची, सांची भी आ चुकी है और मैं चाहता नहीं इसको आता ही ना दिख जाए। ऐसा सांची, तुम कैसी हो सांची? कैसे हो गाइस? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया। तुम्हारी गली में इतना रश क्यों होता है? गाड़ी मुझे कोई खड़ी करने क्यों नहीं देता? तुम्हारा नाम नहीं चलता क्या तुम्हारे एरिया में? नहीं, मेरा तुम्हारा नाम चलना चाहिए यहाँ पे। सांची एंटर ही हुई थी कि गाड़ी आ गई, अब मुझे गाड़ी और आगे करनी पड़ेगी पकड़। सांची तेरा नाम चलता क्या तेरे एरिया में? नहीं चलता, क्या करूँ मैं? नहीं चलता। सो कैसे फटाफट मैं गाड़ी ना वहाँ लगाता हूँ, फिर वहाँ पे जाके सांची से बातचीत करते हैं। तेरे से एक मेन बात करनी है, मुझे तो लगता था कि भाई कुत्ते भोंकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई लोमड़ियां भी भोंकती है। एक लोमड़ी है बहुत ज्यादा भोंक रही है आजकल, वो बंदा बोल रहा है कि भाई लोग ना लड़कियों के साथ वीडियो बना बना के 1 मिलियन कर दिए उन्होंने सब्सक्राइबर। तो मैं, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वैसे मैं इस टॉपिक को छेड़ना चाहता नहीं था, मैं तो उनको बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों के पास भी तो लड़की है, तुम लोग भी लड़कियों के साथ व्लॉग बना रहे हो, तो तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे 1 मिलियन? मैं बताऊँ क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि भाई तुम्हारे व्लॉग में सच्चाई नहीं है, ठीक है? लड़कियां तो आपके पास भी है, आप भी लड़की के साथ व्लॉग बनाते हो, तो आपके व्लॉग क्यों नहीं चलते? जो मैं सांची के साथ हूँ, जो मैं सांची का वीडियो बनाता हूँ, जो मर्जी करता हूँ, रियल हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि लड़कियों के साथ व्लॉग बना के 1 मिलियन होते हैं, तो आप भी तो लड़कियों के साथ व्लॉग बनाते हो, आपके क्यों नहीं चलते? गाइस, इस टॉपिक को मैं ज्यादा आगे तक लेके जाऊंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं वैसे बोलता नहीं किसी को, बट मेरे को ये चीज ना मतलब हर्ट हुई, क्योंकि मैं क्या समझ गया, एक बंदा है भाई वो बोल रहा था। मैं वैसे रिप्लाई करता नहीं वीडियोस वगैरह में, क्योंकि मैं भाई आमने सामने जाके रिप्लाई देता हूँ और वो अच्छे तरीके का देता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलता ही नहीं वीडियो में कुछ, ठीक है? तो बस उसका एक जवाब देना था छोटा सा, वो मैंने दे दिया। मैंने अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि मेरे को उंगली मत करो, क्योंकि मैं किसी को उंगली करता नहीं, अपने काम से काम रखता हूँ, बट ये बंदा कुछ ज्यादा ही उंगलियां कर रहा है, तो कोई बात नहीं। और बताओ तुम सांची, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही व्लॉग बनाऊंगा भाई, अब तो मैं सोच रहा हूँ अब लड़कियों के साथ व्लॉग बना के 1 मिलियन हो जाते हैं, तो अब तो मैं तेरे साथ ही बनाऊंगा, अब तो 2 मिलियन भी करूंगा मैं। आपने बाइक के लिए बोला था, अब Z900 फाइनल हुई है Z1000? देख यार, अगर मैंने नई लेनी है तो मैं Z900 ले सकता हूँ, अगर मुझे लेनी है पुरानी तो मैं लूंगा Z1000। अब चक्कर ये Z1000 मार्केट में मिल ही नहीं रही है, सीन ये है। क्या हुआ? ये क्या है? इसको पकड़ो, ये क्या है? ये गर्दन पे क्या है? क्या हुआ, मच्छर काटा है? ऐसा मच्छर काटता है? मेरे को क्यों नहीं काटा है? तो कैसा मच्छर काटता है तो पूरे एरिया में लाल हो जाता है भाई। मच्छर काटता है सांची, क्या हो गया तेरे को? दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये देख, मेरे को भी मच्छर काटते हैं।
मेरे को तो नहीं, ऐसे पूरा एरिया में रेड रेड हो जाता है भाई। ये देख मच्छर काटा है, एक इधर कितना रेड हो गया, क्या होगा तेरे को? आज तक नहीं हुआ आपको इतना? पहले नहीं मच्छर काटे, मेरे सामने नहीं काटे, इसको हटा दो, मेरे सामने नहीं ला। ये तेरा दिमाग खराब हो गया, बात करते करते क्या हो जाता है तेरे को भाई? रेड निशान पड़ गया उधर, देखना दिख नहीं रहा तेरे को? मच्छर ने काटा हुआ है भाई, फूल गया यहाँ से देख, क्या हो गया? मच्छर ने काटा है। कौन सा मच्छर काटा है अब मुझे? कब तक कौन सा मच्छर काटा यार, क्या हो गया? मेरे को बताओ ना, ऐसा कौन सा मच्छर काटते जिससे इतना लाल हो जाता है? मच्छर काटा है यार सांची, मत कर ड्रामे, क्या हो गया यार? मैंने फालतू में सामने सामने दिख रहा है, मच्छर नहीं है, लव बाइट है। लव बाइट है? पागल हो गई क्या? मैं पागल हूँ? लव बाइट कौन देगा? मैं पागल हूँ? लव बाइट कौन देगा? तेरा दिमाग खराब, मेरे को क्या पता कौन देगा? मच्छर ने काटा भाई, मच्छर ने काटा। हाथ मत लगा, मच्छर आया था, हाथ मत लगा, दर्द है। मच्छर ने काटा है, मच्छर ने बोल रहा हूँ। मच्छर मच्छर बोलोगे, सीधा सच बोल दो ना, क्या है? लव बाइट है। किसने दी है? मेरे खुद को दी है। आप खुद का पहुंचोगे यहाँ पे? तू पागल हो गई है भाई, दूर से नहीं दिख रहा तेरे को मच्छर ने काटा है? नहीं, कोई भी देखेगा बता देगा क्या ये लव बाइट लग रहा है तेरे को? ले दिखा। तो और क्या है? मेरे को नहीं दिखाना है, मेरे को, मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा, ले दिखा। दिखाओ क्या है? ये लव बाइट है। ये लव बाइट है, तेरे को दिख नहीं रहा मच्छर ने काटा है यार? मच्छर कटवा के दिखाऊंगी फिर कैसा होता है बताओगे? सीधा सीधा क्या है भाई? मच्छर ने लव बाइट मारा, मच्छर ने काटा है, मच्छर ने लव बाइट नहीं दिया, मच्छर ने काटा है। गाइस ये देखो यार, आपको दिख नहीं रहा ये? हाँ जी, इधर तो देख ना। नहीं कर रहा था क्या? रोने वाला क्या है? मैं प्रैंक कर रहा था तेरे पे। इधर देख, मैंने प्रैंक है क्या? पहले तो रो क्यों रही है? इधर देख, मैं इसी वजह से तेरे पे, पता, कोई प्रैंक वगैरह करता नहीं। गाइस सच बताऊं, ये मेन रीजन है, मैं जब भी इस पे कोई प्रैंक वगैरह करता हूं ना, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये रो सकती है, उसमें ना बस ये रो देती है, फिर मैं आगे प्रैंक कर ही नहीं पाता। तेरे को मैंने बोला था ना सांची कि मैं तेरे पे प्रैंक करूंगा, आंखें देखना गाइस, इसकी आंखें देखना, इधर देखो, ये क्यूट गर्ल, इस साला लड़की के साथ ब्लॉग बनाता है, इसके बाद मिले लूंगे, मेरी बात सुन, क्या हो गया? रोने वाला क्या? बाल पीछे करो, यार सांची तू सारा प्लान मेरा फेल कर देती है हर बार प्रैंक में, ये प्रैंक था, ओके आपके साथ एक हुआ खतरनाक वाला प्रैंक, और ये देखिए कैमरा लगा है। मैं कैसे मानूं प्रैंक है? मतलब तेरे को असली लगता है? अबे लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक मम्मा की लिपस्टिक लेके आया था, वो लगाई थी मैंने। मैं कैसे मानूं? अब वीडियो दिखाता हूं, रुक जा गाइस, एक सेकंड रुकना। ऐसे मारूंगी। गुस्सा चढ़ाते हो फालतू का, फिर बोलो गुस्सा करके चली जाती है। ये मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता। मेरी बात बहुत सुन ली, मैं मारूंगा, पंगे मत करिए, साफ कर दे, इधर कोई देखेगा तो क्या बोलेंगे? मैं कैसे करूं? कुछ नहीं साफ, थोड़ा बहुत मिट गया, बट फिर भी भाई मेरी स्किन रेड रेड हो गई है भाई, क्योंकि मैंने साफ करा उस वजह से। सो सांची प्रैंक कैसा लगा आपको? एक तो इतनी मुश्किल से मैं आई हूं, ठीक है, मेरे को पूरी पैकिंग करनी है, सामान लेना है, सबको सेट करना है, और अब ये कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, जाने से पहले। प्रैंक तो बनता है यार जाने से पहले, एक प्रैंक, बट ये मैंने प्रैंक गाइस सच बताऊं, ये प्रैंक मैंने बहुत आगे तक लेके जाना था, अभी बहुत मैंने तेको तंग करना था, बट ये रो पड़ी पता है, तो जब ये रो जाती है ना हर प्रैंक में, ये मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि प्रैंक में जब करता हूँ सांची के ऊपर ना रोने लग जाती है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाता कि भाई ये रो रही है, मैं प्रैंक बनाऊं और मन भी नहीं करता। हाँ मेरे पे कर लेना, मेरे को पता चल जाता है, मेरे पे जो मर्जी प्रैंक कर देगा इस, मुझे पता चल ही जाता है इसका प्रैंक फेल हो जाता है। वो मतलब एक नहीं हुआ था, पहले वाले हुआ करेंगे लड़कियों के साथ ब्लॉग ना बनाते, तो हम 2 मिलियन भी जल्दी करेंगे लड़कियों के साथ ब्लॉग बनाते। सो गाइस लड़कियों के साथ लड़की मरे मेरे, हे भगवान, ये लड़की स्टार्ट हो गई फिर से।
मेरे कहने का मतलब है लड़की के साथ व्लॉग बना बना के तो मेरे अगर 1 मिलियन हो गया तो इसका मतलब मेरे 2 मिलियन भी हो जाएंगे। नॉट लड़की सांची के साथ, मतलब लड़कियां नहीं, लड़की एक है ना, तो वो तो मैं बनाता रहूंगा भाई। इसके साथ तो पूरी उम्र बनाना है, तो जिसको जो बोलना है बोले। तुम्हारा भाई ऐसे बोलता नहीं ये चीज किसी को, बट ये चीज मेरे को ना, मेरे को गुस्सा आया ये चीज देख के कि भाई ये बंदा कब से बोलता जा रहा है, कितनी वीडियो में बोलता जा रहा है और क्यों बोल रहा है भाई। तो अपने काम पे ध्यान देना। अगर कोई बंदा, चलो जिस बंदे ने जैसे मर्जी किए हैं, चलो ठीक है जैसे मर्जी उस बंदे ने करे हैं, तू भी कर, देखो क्या हो रहा है, क्योंकि तेरी वीडियो नहीं चल रही, कॉपी करने से भी वीडियो नहीं चल रही भाई। तो गाइस चलो कोई बात नहीं, करते हैं आज के ब्लॉग को यही पेंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।